Hello friends, this is Javed and you are watching our YouTube channel Last Night Study, where we take informative videos. So basically, I am making videos on child pedagogy and development. Child pedagogy se related, jitne bhi exam oriented, jitne bhi cheeze hai, wo main cover karne ki koshish kar raha hu. So aaj main chapter 8 cover karne ja raha hu, language and thought, jiska main part 1 bana raha hu aapke samne. So language and thought, basically ye do psychological terms hai jo scholars ke nazdeek, you know, bahut zyada kaha ja sakta hai, ek debatable topic hai among the scholars. So language ke bare mein and thought ke bare mein, ye jo different alag alag process hai in cheezon ke bare mein, scholars ka, you know, apna hi ek viewpoint hai, alag alag tarike se different scholars ke nazdeek different viewpoints hai. So janenge ki language aur thought kya hai, inke process kya ho sakte hai, principles kya ho sakte hai, stages kya ho sakte hai, wagera wagera, un cheezon ke bare mein जाने की कोशिश करेंगे. ये वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, सीटेट या फिर किसी भी टेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है. ओके, सो हैव वी स्टार्ट. सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूंगा लैंग्वेज के बारे में. दोनों ही, लैंग्वेज हो या थॉट हो, वो हमें हमारे विकास की तरफ लेकर जाता है, हमें हमारे डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है. लेकिन लैंग्वेज का एग्जैक्टली रोल क्या है, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट को, पहले उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो वी टॉक अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट. सो सबसे पहले हमारा होगा सोशल फैक्टर. ओके, दूसरा जो होगा एडुकेशनल फैक्टर. तीसरा होगा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर. तीन अलग अलग जो मैंने फैक्टर्स लिखे उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. ये सोशल फैक्टर कहने का मतलब है, जब हम में लैंग्वेज अच्छा होगा यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बढ़ता है. सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोशल और कल्चरल पैटर्न को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये हमारा लैंग्वेज सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में, राइट. ठीक उसी तरीके से एडुकेशन, तो एडुकेशन एडुकेशनल आस्पेक्ट की तरफ अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो लैंग्वेज एट द सेम टाइम अगेन बहुत ही की रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं. और एट द सेम टाइम जब बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ आती है कि बायोलॉजिकल कहने का मतलब है हमें हमारे माँ बाप से जो यू नो कहा जा सकता है जीन या हेरिडिटी जो वाला मामला होता है, हेरिडिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं यानी विरासत, तो माँ बाप से जो चीज़ें मिलती है, ख़ानदान से जो चीज़ें मिलती है कहीं ना कहीं, वो भी एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. तो मैं यहाँ पर कहूँगा इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर कि एनवायरनमेंट, एक होता हमारा एनवायरनमेंट, एक होता है हेरिडिटी, ये दोनों ही चीज़ें, ये इन दोनों चीज़ों पर ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं. सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब बात करते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, राइट. अच्छा, एक बात और मैं और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, जो मैंने अभी प्रीवियस कंटेंट जो कवर किया है वो था हमारा बेसिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली मैं कंटेक्स्ट में बात कर रहा था, बच्चों के कंटेक्स्ट को लेकर बात कर रहा था, चिल्ड्रन कंटेक्स्ट में बात कर रहा था. ओके, सो अगेन ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ, तो अगेन ये चाइल्ड कंसेप्ट को लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज जो होता है बच्चों में, मैं जैसा कि लैंग्वेज के बारे में ईजली एक डेफिनेशन दिया जाए,
अगर कोई आपसे पूछे कि लैंग्वेज हो क्या सकता है, कैसे आप डिफाइन करोगे इस चीज़ को, तो वी वुड डेफिनेटली से कि लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। और एट द सेम टाइम अलग अलग फैक्टर्स को आप नहीं बताकर ये कम्युनिकेशन वाला ही मामला आप सामने लाओगे कि दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में या फिर दो पर्टिकुलर चीज़ों के बीच में जो एक कन्वर्सेशन होता है बेसिकली, उसी को हम लोग लैंग्वेज कहेंगे, जो एक दूसरे को जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज किस टाइप का हो सकता है, राइट, कि कैसे लैंग्वेजेस वो इनिशियली जो उसका इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल पीरियड होता है, वो किस तरीके से अपने लैंग्वेज को यूज़ करता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों में भी लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, हर किसी में होता है बेसिकली। तो यहाँ जो मामला है लैंग्वेज को लेकर बच्चों में, वो दो टाइप की चीज़ें होती है। बच्चा अपने अर्ली स्टेज में या तो रोता है या तो फिर हंसता है, दो ही तरीके से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने पीयर्स ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स को, कुछ भी हो वगैरह वगैरह। हालांकि अर्ली स्टेज में फ्रेंड्स या पीयर्स ग्रुप को माने ही नहीं रखता है इन दैट केस। तो पेरेंट्स के बारे में अगर मैं कहूँ, जो केयर टेकर होते हैं उनके, या तो वो रोकर या तो फिर वो हंसकर जताने की कोशिश करता है अपने फीलिंग्स को, यानी क्राइंग और स्माइलिंग, ये दो अलग अलग फैक्टर्स कहेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम स्माइलिंग या फिर इसको छोड़कर जो कुछ न्यूट्रल एक्सप्रेशंस बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मैं कहा जा सकता है कि पहला जो हम लोग कहेंगे क्विंग, राइट, जो कि बच्चा छः हफ्ते कहने के मतलब है कुछ डेढ़ महीने तक जो है क्विंग वाला ये लैंग्वेज वो यूज़ करता है। तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज और थाउट के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, सीटेट और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, ओके। सो छः हफ्तों तक ये एक शिशु यूज़ करता है क्विंग। उसके बाद नेचुरली ये प्रोसेस चेंज होकर बबलिंग, सुने होंगे बच्चा बबलिंग 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 इस तरीके से होता है बच्चों में, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ऑफकोर्स आपने देखा होगा बबलिंग। ये बबलिंग वाला सेंस जो है कहीं ना कहीं 6 मंथ्स तक जो है बच्चे में ये इस तरीके से वो लैंग्वेज यूज करता नजर आता है। नंबर 3 की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो वो था वन वर्ड स्टेज, जब बच्चा या फिर एक शिशु अपने पहले वर्ड को बोलना सीखता है, वो टाइम पीरियड होता है हमारा 1 ईयर का। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, नहीं सर ये तो कन्फ्लिक्टेड मैटर है, एक डिबेटेबल मैटर है कि नहीं, बहुत सारे बच्चे अर्ली टाइम में ही उनमें ग्रोथ आ जाती है, वो उनकी जो अंदर में डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो गया है, जिसकी वजह से क्या देख रहे हैं कि वो 8 महीने ही में ही बोल पड़ रहा है ना, 8-9 महीने में ही बोलना शुरू कर दिया, 10 महीने में बोलना शुरू कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं स्कॉलर्स का ऑब्जर्वेशन है, तो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मैं चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज। तो ये हो सकता है आपके नज़दीक कन्फ्लिक्टेड हो, डिबेटेबल हो, चीज़ें वगैरह वगैरह। आपके सामने कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे एग्जाम्पल्स जो 10 महीने में बोल रहे हैं, लेकिन सो फार एज द डाटा और ऑथेंटिसिटी इज कंसर्न्ड, तो बुक्स में जो चीज़ों का हवाला दिया गया है, जो रेफरेंस दी गई है, वो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, दैट इज 1 ईयर। ओके, उसको इरेज करके मैं आगे लिख रहा हूँ, ये अभी 3 महीने बताया है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 4। नंबर 4 कहने का मतलब है 2 वर्ड, जब बच्चा 2 वर्ड्स 2 अल्फाजों को यूज़ करना स्टार्ट करता है, 2 वर्ड स्टेज है ना, और ये 2 वर्ड स्टार्ट करता है वो कुछ 18 मंथ्स में, यानी कुछ 1.5 साल में, हाँ कुछ 1.5 साल की उम्र में वो 2 वर्ड बोलना सीख लेता है, मम्मी पापा इस तरीके से वो यूज़ करता है लड़का लड़का आकर। ओके, नंबर 5 में अगर देखते हैं तो वो लॉन्गर अटरेंसेस की तरफ बढ़ता है, लॉन्गर अटरेंसेस यानी वो अब तोड़ मचोड़ कर ही सही बच्चे जो है वो बोलना कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, भगवान का नाम लेते हैं, कुछ लोग भाई का नाम लेते हैं, बहनों के नाम लेते हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से फैमिली मेम्बर जो उनके करीबी होते हैं, जो इन्वायरमेंट से ऑब्जर्व करके वो कहीं ना कहीं लॉन्गर अटरेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों वो लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस को लेकर कहीं ना कहीं दो अलग अलग स्कॉलर्स में एक डिबेट रही है. थॉट का प्रोसेस और लैंग्वेज का प्रोसेस इन दोनों के नज़दीक दोनों डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट से देखते हैं. उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जिसको लेकर वो लैंग्वेज के बारे में अलग फिलॉसफी रखते हैं, थॉट के बारे में अलग फिलॉसफी रखते हैं. ये दो बड़े बड़े अलग स्कॉलर्स हैं. सो आई गेस मैं इस वीडियो को जो है कंटिन्यू करूँगा पार्ट टू में और आगे का डिफरेंस और फर्दर स्कॉलर्स के बारे में आपको बताऊँगा. सो अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आया सो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.